नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे BPSC TRE शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 29 सितंबर 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे इस समय की बड़ी अपडेट, पटना हाई कोर्ट ने दोस्तों क्या कहा। उसके बाद दोस्तों बिहार सरकार, देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में SLP दायर करने के बाद सरकार के महाधिवक्ता का बयान आता है। BA डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले BPSC ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,96,000 आवेदक BA डिग्रीधारी हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में BA डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की नियुक्ति में BA डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। PK शाही, महाधिवक्ता बिहार सरकार। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बड़ी अपडेट है। जो भी बच्चा DLED कर रहा है, BTC का छात्र है, जी हाँ। अब दोस्तों देखिए होता क्या है ना, एक बात आपको बता दें, आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे ही हो गया, लेकिन आपको बता दें इससे पहले भी दोस्तों जब वैकेंसी को फंसाना होता है ना शिक्षक भर्ती को, तो कोई ना कोई तरकीब अपनाई जाती है कि कैसे वैकेंसी को रोका जाए। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए पहले यहाँ पर कि 2024 से पहले चुनाव तो 2024 में होने वाले हैं। अगर दोस्तों आज ही आप लोगों को नौकरी दे दी जाएगी तो फिर वोट कौन देगा। जब वैकेंसी दोस्तों फंस जाती है तब वोट में दिक्कत आती है। आपको बता दें, आप लोगों को लग रहा होगा पहले कि 1 से लेकर 5 तक में हमारा CTET का रिजल्ट नहीं आ रहा था, इसलिए दोस्तों BPSC TRE अपना रिजल्ट नहीं दे रहा था। बताइए 25 सितंबर को ही CTET का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब चलिए CTET का बहाना था तो आपको बता दें 9 से लेकर 12 तक में यहाँ पर तो CTET नहीं था ना। तो एक तरीका होता है कि कैसे नौकरी को फंसा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, देखिए हम आपके सामने यूपी के वैकेंसी की भी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो यूपी में भी दोस्तों जो 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था ना, इसको भी फंसा दिया गया था। इसको फंसाया कैसे गया था, कटाप मामले को लेकर। देखिए आपको बता दें, यूपी में दो वैकेंसी आई थी, पहले 68,500, इस वैकेंसी में जो कटाप रखी गई थी पासिंग मार्क 40-45%। लेकिन दोस्तों जब नई वैकेंसी आई 69,000 शिक्षक भर्ती, इसकी कट आपको बढ़ाकर कर दिया गया 60 और 65%, ठीक है। मामला ये था, जैसे दोस्तों आप लोग CTET का एग्जाम देते हैं, आप लोग को पता है कि हमारी पासिंग मार्क 82 और 90 नंबर होती है। अब दोस्तों अचानक से CTET ने भैया पासिंग मार्क बढ़ाकर कर दिया कि हमारा 100 नंबर 110 है, ठीक है, आपको बिना बताए अपने मन से। तो कोई ना कोई तरीका होता है, और कुछ बच्चे दोस्तों यहाँ पर भी पास होते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर भी पास होते हैं, ठीक है। तो अब इस वैकेंसी में होगा क्या कि जो बच्चे BEd के हैं, ठीक है, उनको तो खुशी होगी कि हमें मौका मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप लोग को पता ही कि फैसला में क्या था, किनको मौका देने की बात थी, जो भी बात रही हो, ठीक है। तो अब बिहार सरकार ने दोस्तों जो कर रही है वो अब आपके सामने, बाकी देखिए होगा क्या, जो भी दोस्तों अंतिम फैसला है वो अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। देखिए क्या हुआ, पटना हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के निर्णय को ध्यान में रखकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पुनर्निर्देशित किया है। लेकिन BEd के बच्चों को मौका बहुत मिलता है, अभी 9वीं से 10वीं में मौका मिला, 11वीं से 12वीं में मौका मिला, 6 से 8 की वैकेंसी आ रही वहां पर भी मौका मिलेगा। अगले महीने अक्टूबर में विज्ञापन आ जाएगा, आवेदन का प्रक्रिया शुरू होगा। 6 से 8 में वैसे DLED के छात्रों को भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वैकेंसी सबके लिए आ रही है, लेकिन हाँ देखिए एक बात बता दें कि सरकार को पहले ही पता चल चुका था एग्जाम होने के पहले, ठीक है, कि BEd बाहर हो चुका है। उसके बावजूद दोस्तों सरकार ने BEd का एग्जाम लिया। अब देखिए यही बात अगर हम कह दें CTET को लेकर, ठीक है ना, CTET 20 अगस्त को लेकर या उससे पहले CTET को लेकर, ठीक है, तो होता क्या दोस्तों, क्या CTET भी कह दे कि भैया हमारा पेपर तो उससे पहले विज्ञापन हमारा भी पहले आ गया था, 11 अगस्त से पहले तो सबका विज्ञापन आ गया था, तो इसका मतलब तो CTET भी वैलिड हो जाना चाहिए, ठीक है। और आपको बता दें जब CTET ने फॉर्म भरवाया था इससे पहले लास्ट ईयर में भी, तो दोस्तों फॉर्म भराते समय क्लियर कर दिया जाता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। क्या बिहार सरकार को ये बात नहीं पता थी कि पहले से ही मामला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कि BEd के छात्रों को मौका मिलेगा या मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। BEd के बच्चों को मौका मिलेगा कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में मामला, ऐसा नहीं कि 11 अगस्त को या उसके बाद आया। जब BPSC का हमारा मतलब प्रोसेस शुरू हुआ था BPSC TRE, ठीक है, 1-5 के लिए, क्या उससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में था कि नहीं था, बिल्कुल था। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिएगा जो बच्चे DLED और BTC से हैं, ठीक है ना।
बाकी देखिए बीएड के छात्रों को नौकरी देंगे कि नहीं, ये देखिए नौकरी फंसाने का एक तरीका है, ठीक है ना, कि बीएड के छात्रों को उलझा दिया जाए। देखिए जो बच्चा बीएड से, देखिए आपको हम आपको एक बात बता दें, आप लोग तैयारी में लग जाइएगा 6 से 8 वाली जो वैकेंसी आ रही है, ठीक है, ताकि आप लोगों को नौकरी मिले। केवीएस पीआरटी वाला मैटर आप लोग जानते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी अब ये बात नहीं होती। देखिए होता है क्या ना, पहले आप लोगों को जो नौकरी दी जाती है उसके बाद ब्रिज कोर्स कराया जाता है 6 महीने वाला। अब दोस्तों एनसीटी ही पीछे हट चुका है तो फिर आपका ब्रिज कोर्स कैसे होगा, किस आधार पर आपको नौकरी दी जाएगी, यह इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। बाकी देखिए इनको नौकरी नहीं देना, सही बात हम आपको बता दें। अभी देखिए नवादा में सुपर टेट 2023 के बहाली गैंग के 4 अपराधी पकड़े गए, ये सब नंबर बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों को कॉल करते थे, इनके पास से 5 लाख रुपये नकद और अभ्यर्थियों की लिस्ट भी बरामद हुई है। अब दोस्तों देखिए अभ्यर्थियों का बिहार बोर्ड अपने डाटा लीक पर लगाम लगाए, अब दोस्तों ये रिजल्ट का डाटा लीक दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स का नाम, डिस्ट्रिक्ट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर दोस्तों, सब्जेक्ट, टोटल नंबर, कितने नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है, क्वालिफाई या अनक्वालिफाई, देखिए लिख क्या रहा अनक्वालिफाइड, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं भैया कैसे ना कैसे चलो क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर दोस्तों ये सही है तो ये खबर बहुत बड़ी है, ठीक है ना, इसको भी जरा समझिए। तो अब समझने वाली बात होगी दोस्तों होगा क्या, कुल मिला के आपको क्लियर कर दे वैकेंसी फंसाने का एक तरीका है, ठीक है। चलिए हम कुछ और आपको रिजल्ट के बारे में बता दें, देखिए यहाँ पर है कि नहीं, हाँ ये रिजल्ट देख लीजिए। इस वैकेंसी में दोस्तों इतना मतलब फंसाया गया, और आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस शुरू हुआ था, एक बार समझ लीजिए, ये आया था इसका विज्ञापन दिसंबर 2018 में, और दोस्त इसमें क्या क्या अभी भी मामला कोर्ट में क्या चल रहा है, इसमें 2023 में भी मामला कोर्ट में चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसमें दोस्तों आरक्षण वाला मैटर फंसा है, ठीक है, 6,800 पदों पर नई चयन सूची आई थी उसको रद्द कर दिया गया, और बच्चों की मांगे 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ, एक तो ये, और इसी वैकेंसी में दोस्तों जो आंसर की जारी होती ना हमारी, तो एक क्वेश्चन पर विवाद था उस पर कॉमन नंबर मिला, एक क्वेश्चन पर कॉमन नंबर मिला, कुछ बच्चों का नंबर बढ़ गया, लेकिन उन बच्चों को भी नौकरी नहीं दी जा रही है। तो ये दोस्तों मामला 2023, 5 साल बीत चुके हैं। तो एक बात समझ लीजिए, जब मामला कोर्ट में जाता है तो उसका कोई ओवर छोड़ नहीं होता, कितना समय लगेगा। अब पहले दोस्तों मामला हाईकोर्ट जाता है, फिर डबल बेंच जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर मामला दोस्तों SLP दायर की गई, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो भैया बिहार सरकार की माने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जो भी चीज़ें हुई हैं सबको मौका मिल जाना चाहिए, सभी छात्रों को, ठीक है ना। तो जो बच्चे समझदार हैं आगे अपना पढ़ेंगे, वैकेंसी आ रही है 6 to 8 के लिए, आपको पहले CTET का या बिहार टेट का जो भी है Paper 2 आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है, उसके बाद वैकेंसी बढ़िया है, आपको नौकरी लग जाएगी। और आप सोचेंगे कि यार इसी में आपको नौकरी लेना है जो भी हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है कि बहुत बार फटकार भी लग जाती है। अब देखिए आप मामला देखिए, जब कोई गवर्नमेंट लेके जाती है ना, तो एक हाँ ये बात कह सकते हैं कि पावर रहती है। जी हाँ दोस्तों आपकी सुनवाई अच्छी होगी, क्योंकि मामला खुद बिहार सरकार अगर लेके जाती है तो एक बड़ी बात है, ठीक है। और दोस्तों देखिए DLED छात्रों की संख्या इस साल बढ़ रही है, ठीक है, इस साल 2023 में जबरदस्त एडमिशन हो रहे हैं DLED BTC में। 2022 तक हम मान सकते हैं कि BTET का जलवा था, लेकिन 2023 में सिर्फ DLED के छात्र। और आपको बताना चाहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो BTET कैंडिडेट नौकरी पा भी गए ना, उनको भी दोस्तों बाहर निकालने के लिए याचिकाएं पड़ रही हैं कि भाई उनको क्यों रखा गया है, वो अवैध है। हुआ क्या था, उत्तर प्रदेश में UP में 1,37,000 शिक्षा मित्रों को नौकरी दी गई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया था। समझिए नौकरी पाने के 1 साल के बाद जब ये बाहर हो सकते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगा कि BTET के छात्र भी बाहर हो सकते हैं। ये कोई मतलब नहीं होता दोस्तों कि अगर सरकार कैसे भी गलत नीति से आपको नौकरी दे दे तो वो परमानेंट बने रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश में इसका जीता जागता एग्जाम्पल शिक्षा मित्रों की बहाली का था, ठीक है। और देखिए बिहार में क्या हुआ कि जो नियोजित शिक्षक हैं, अब इनको दोस्तों बिना शर्त परमानेंट किया जा रहा है। देखिए नियोजित शिक्षक आप यहाँ पर देखिए, नियोजित प्राथमिक में इनकी सैलरी 35,000 और नया वेतन लगेगा तो 40 होगा, ठीक है। तो राज्य कर्मी का दर्जा मिलने से बहुत फायदा हो जाता है, आपको EL मिल सकता है, आपको मेडिकल में कुछ भी फायदा मिलेगा। तो ये दोस्तों पासिंग मार्क्स को जरा देख लीजिए, अगर दोस्तों यहाँ पर BTET कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो फाइनल कटआउट में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों
फिर फाइनल कट ऑफ, असली वाली फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, जो आज हम आपको बता रहे हैं। आरक्षित वर्ग में आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, पास हो जाइए, नौकरी ले जाइए। तो दोस्तों होगा क्या, उसके बाद जब बीएड के कैंडिडेट्स आएंगे तो सिर्फ पास होने से नौकरी नहीं मिलेगी, फिर नंबर भी आपको लाना पड़ेगा। जो दोस्तों आज अभी आप उम्मीद कर रहे थे कि अनारक्षित कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी अदर स्टेट के बच्चों के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी मेल और फीमेल, ठीक है, अभी दोस्तों आप लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी आप लोग उम्मीद लगाएं कि भैया हमारा 50 से 55 होगा, 47 से 52 फीमेल में नौकरी लग सकती है। फिर दोस्तों आपको बता दें तब आपको फिर चाहिए होगा 65 से लेकर 70 प्लस में, ठीक है, 47 से दोस्तों आ जाएगा ये 57 से, ठीक है, कम से कम 68 प्लस, ये दोस्तों चाहेगा सीधे 10 नंबर, याद रखिएगा सीधे सीधे 10 नंबर ऐड करके चलिएगा बीएड छात्र आने से, क्योंकि बीएड छात्रों की संख्या भी ज़्यादा है, आरक्षित वर्ग में एक गजब की टक्कर देखने को मिलेगी। देखिए हमने आपको बताया था कि कट ऑफ को कम किया जा सकता है आपको डीएलएड में नौकरी के लिए, अगर दोस्तों ये हमारी जो फाइनल आंसर की बनेगी बीएड के साथ बन गई ना, तो 10 नंबर ऐड हर जगह करके चलेंगे, जहाँ पर 48 लिख के आ रहा है यहाँ 58 से स्टार्ट हो गया, 58 लेके 63 प्लस, यहाँ 45 लिख के आ रहा है यहाँ पर 55 से शुरुआत करिए, ठीक है, 60 प्लस में 42 लिख के आ रहा है 52 से शुरू करिए, 38 लिख के आ रहा है 48 से शुरू करिए, ठीक है, तो सीधे सीधे 10 नंबर का आपको अंतर देखने को मिलेगा अगर बीएड के छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या होता है, देखिए मामला को सिर्फ फंसाने की तैयारी है, फिलहाल उत्तर कुंजी पर लिए गए आपत्ति पर स्क्रूटनी का काम चल रहा है, सुपरटेट 2023 रिजल्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना बन रही है। अब दोस्तों जरा देख लेते हैं और भी अपडेट यहाँ पर, अतुल सर का दोस्तों देखते हैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल क्या है, कहता है अतुल सर ने दोस्तों भी इसकी जानकारी हमें नहीं दी है, ठीक है, बाकी दोस्त ये खबर बहुत बड़ी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बच्चों के लिए क्या पर लिखा है, डीएलएड वालों से 40% मार्क्स तो आ नहीं रहे और बातें कर रहे हैं हाई स्कूल को पढ़ाने के लिए, ठीक है, डीएलएड वालों से प्राथमिक टीचर का पेपर तो क्वालिफाई हो नहीं रहा है तो हाई स्कूल का कैसे कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर बच्चे अब सवाल उठा रहे हैं बीएड वर्सेस डीएलएड, ये केस रिजेक्ट हो जाएगा इस ग्राउंड पर, ठीक है, कोई बच्चा कह रहा है केस रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डीएलएड के छात्र कमजोर हैं, समझिए इन सब बातों को, ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है जैसे हमने बोला कि डीएलएड के बच्चों को 9वीं से 12वीं तक में मौका क्यों नहीं मिला, अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जो बच्चे डीएलएड के पास नहीं हो रहे, अभी आपको बता दें जो हमारा सीटेट का रिजल्ट है जिसमें मात्र 24,000 बच्चे पास हैं, उसमें दोस्तों डीएलएड के साथ साथ बीएड भी है, याद रखिएगा सिर्फ डीएलएड के बच्चे सीटेट का पेपर नहीं दिए थे, बीएड के बच्चों से भी नहीं क्लियर हुआ, तो यहाँ पर लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका सम्मान सबको करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोस्तों किसी को मौका कम किसी को ज़्यादा मिल रहा है, बाकी अब यही होगा कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है, बाकी जो बच्चे जुगाड़ लगा रहे जुगाड़ वाले ये बच्चे देखिए लिस्ट वायरल हो रही है, तो तैयार रहिए आप लोग, ठीक है ना, ये दोस्तों डीएलएड और बीटीसी छात्रों के साथ बड़ा धोखा है, अगर जो भी बच्चा डीएलएड और बीटीसी का भी सो रहा है तो उठिए और वीडियो को देखिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ डीएलएड के ग्रुप में, क्योंकि जब कोई मामला सरकार लेकर जाती है तो उसमें पावर रहता है, जी हाँ दोस्तों डेफिनेटली अगर सरकार चाहे तो बीएड की एंट्री करा सकती है, याद रखिएगा आज अगर सरकार अपने ऊपर आ जाए तो बीएड के छात्रों को नौकरी दे सकती है, ठीक है ना, अगर सरकार जैसे होता ना कि भाई नहीं हमको देना ही देना है तो फिर वो दे देंगे, भले सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो अध्यादेश देख ले आएंगे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सरकार अपने ऊपर आ जाए तो फिर, अगर जैसे यहाँ पर हो रहा है ना कि ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले की बात है, आपको बता दें 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, पेपर तो 24 अगस्त को हुआ था हमारा बीपीएससी का, सरकार को भाई सिर्फ पैसा वापस नहीं करना था, अगर बच्चों ने 750 रुपये की फीस पेमेंट की, ठीक है, इसलिए पेपर करा लिया, अगर ये कहते कि हमारा एग्जाम हो चुका था उस समय तक दोस्तों एग्जाम हुआ नहीं था, एक बात याद रखिएगा, अगर एग्जाम हो जाता उसके बाद ये कहते कि चलो ठीक है मामला सुप्रीम कोर्ट में, एक अलग मुद्दा था, और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से बहुत से बीएड के बच्चों ने पेपर छोड़ दिया था, पेपर देने नहीं गए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, आप बताइए अगर ऐसा होता है, ठीक है, कि बीएड के छात्रों की एंट्री होगी तो उल्टा बीएड के छात्र भी नाराज होंगे, जिन बच्चों ने पेपर दे दिया, जो बच्चे पेपर दिए उनकी तो अच्छी बात है, जिन बच्चों ने छोड़ा उनका क्या होगा, ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ना पेपर छोड़े थे, तो ये दोस्तों मामला देख सकते हैं, हाई कोर्ट का फैसला भी यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी को ध्यान में रखकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, हाई कोर्ट भी जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वैल्यू क्या होती है। चलिए दोस्तों बाकी
तो यहाँ पर हमने आपको कटआप बताया था, सभी में प्लस 10 नंबर जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सैलरी आप जानते ही हैं, सैलरी अच्छी है। बाकी बीएड के बच्चों के यहाँ तो मौका मिल ही रहा, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में और मध्य वाली वैकेंसी जूनियर की आने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।